तो ये है हमारा डिफेस्ट का एक लेटेस्ट अपडेट जो कि हमें वन डे पहले देखने को मिला है। और यहाँ पर रियली में जो लास्ट टाइम मैंने आपको कंप्लेन करी थी वो चीज़ें इम्प्रूव हुई है और आपको पसंद आने वाला है। और परफॉर्मेंस भी इस बार काफ़ी ज़्यादा बेटर मुझे देखने को मिला है। और आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इसे इंस्टॉल करने वाले हो तो क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, वर्किंग नॉन वर्किंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो डिवाइस सर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम था उसे आप यहाँ पे इजिली जो ठीक कर पाओगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये चीज़ आपको फिक्स मिलती है। तो आज की इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल मिलने वाला है इस लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड जो कि हमारे पोको के F6 डिवाइस के लिए अवेलेबल हुआ है। तो बस आपको लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगता है तो यार लाइक जरूर कर देना। यहाँ पे स्मूथनेस से रिलेटेड कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल ही प्रॉपर काम करता है जो कि मुझे यहाँ पे रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। फ्लैश लाइट में परसेंटेज जो कि पहले मिलता था वो अभी आपको स्टिल देखने को मिलता है। पावर मेनू में कई सारे ऑप्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एनिमेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही देखने को मिल जाता है। सेटिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है अबाउट फोन, जिसका लुक कुछ टाइम पहले चेंज कर दिया गया था, जहाँ पर ये आप देख सकते हो हमारे मेंटेनर का नेम और एक लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है जो कि एंड्रॉयड 15 पर रन कर रहा है, जहाँ पे डे फर्स्ट का आपको 15.2 अपडेट देखने को मिलता है। मे 5 का सिक्योरिटी पैच, अप्रैल 1 का वेंडर देखने को मिलता है। कर्नल देख सकते हो बिल्ड 23 का है जो कि वन डे पहले का आज 24 है। ठीक है, सिलिनक्स यहाँ पे आपको इन्फोर्सिंग दिखाई देता है और ये हमारा बिल्ड नंबर वगैरह जो कि बिल्कुल ही सही है। सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिल जाता है ये जो गैप जो कि लास्ट टाइम मैं दिखाया था कि है, और ये पिछले 3 अपडेट से इस तरीके से गैपिंग देखने को मिल रहा है जो कि अभी तक अरेंज नहीं हुआ, बट ये कोई बिग इशू नहीं है, बस हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत है। यहाँ पे फाइल ट्रांसफर वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, जेस्चर्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि सारे प्रॉपर काम करते हैं। नेविगेशन बार वगैरह आपको मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बैक और आते हैं तो बैटरी रियल में पहले से काफ़ी हद तक बेटर हुआ है, और जो लास्ट टाइम पावर टूल की वजह से हमें दिक्कत देखने को मिला था स्लो चार्जिंग का, वो फाइनली यहाँ पे फिक्स हो चुका है। जी हाँ, अब आपको चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी स्लो वाली फील नहीं आएगी। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि यार फोन हीट होता है तो चार्जिंग स्लो हो जाती है, बट नहीं, इस रोम का इशू था जो कि मैं पिछले 3 अपडेट से ये चीज़ें आपको बता रहा था, बट इस बार ये ठीक हो गई है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ हिस्ट्री के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 20 मिनट में 56% चार्ज हुआ है जो कि इतना अच्छा स्पीड पहले हमें देखने को नहीं मिलता था, और ये रियली में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। बाकी यहाँ पे आप टर्बो चार्जिंग का अपना है जो कंट्रोल कर सकते हो पावर, लेकिन आप मैक्स रखना चाहते हो अगर फुल चार्ज करना है, फास्ट चार्ज करना है तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे पावर टूल के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया, ये आपको मिल जाता है, अपडेटेड वर्जन है, यहाँ पे भी आप पर ऐप का यूज कर सकते हो और मैंने इसका ही यूज किया है, बट आपको अगर इसका ज़्यादा नॉलेज है पावर टूल का तो यहाँ से आप बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हो। ब्लॉक सेंसर, चार्जिंग कंट्रोल वगैरह ये तो आपको पहले भी मिलते ही थे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के अंदर वही कॉमन बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं, जिनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आता, आप यूज कर पाओगे। अनदर साउंड के प्रोफाइल में यहाँ पर आपको डॉल्बी इनबिल्ट देखने को मिल जाता है, चार्जिंग साउंड वगैरह भी दिया गया है जो कि आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। अनदर यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर वही कूल डाउन का आपको ऑप्शन मिल जाता है जो कि सही है। बाकी हैंड्स अप वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल के अंदर कुछ भी नया बेसिक ऐड नहीं किया गया, सब कुछ पहले जैसे ही है और एक काम करता है। डिप फिस्ट के अंदर यहाँ पे वही सारे कस्टमाइजेशन है, लेकिन हाँ एक चीज़ यहाँ पे चेंज देखने को मिला है फीचर्स के मामले में। अगर आप चेंज लोग की ओर जाते हो तो वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई मिलती है, ये चेंज वो चेंज, ये मॉडिफाइड वो मॉडिफाइड, लेकिन वो सारे इंटरनल है जो कि नज़र नहीं आते, लेकिन हाँ चेंजिंग बहुत कुछ किया गया है। यहाँ पे टच कंट्रोल का एक नया ऑप्शन दिया गया, जहाँ से आप अपने टच का जो सेंसिटिविटी है उसे कंट्रोल कर सकते हो, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। अनदर यहाँ पे ऑटोमेटिक हाई ब्राइटनेस जो कि HBM है वो आपको मिल जाता है, हाई टच पॉलिंग रेट जो कि पहले भी था और अभी भी है, पर एफ रिफ्रेश रेट भी आपको मिलता है जहाँ से आप मैनुअली कंट्रोल कर पाओगे। बाकी यहाँ पे वही सारे बेसिक ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, और अडेप्टिव यहाँ पे रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, और फोर्थ डार्क ओवरले वगैरह भी आपको मिलेगा। यहाँ पे हम आते हैं तो मिसलेनियस के अंदर ये जो ऑप्शन है ना, इसे आपको है जो ऑफ करना है, उसके बाद फॉलो करना है प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन पास वाला पूरा का पूरा प्रोसेस, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मे भी आपने ऑलरेडी वॉच कर लिया होगा। उसे यूज करके आप यहाँ पे डिवाइस सर्टिफिकेशन पास कर सकते हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पे ही दिखाया था, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि जब भी आप इसे फिक्स कर लेते हो तो बार बार रीचेक मत करते रहना लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मेरा फिक्स है। ऐसा आप करोगे तो ये जल्दी फेल होने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। बस फिक्स करो और यूज करो, बार बार झूठ मूठ का सोगबाजी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये फिक्स हो जाता है इजिली और आप इसके बाद सारी चीज़ें यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आता। अनदर यहाँ पे आपको वही हैप्पीएस वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, इग्नोर विंडो सिक्योर का ऑप्शन मिल जाता है, लॉक के अंदर
बाकी अदर ऑप्शन है यहाँ पे बटन के अंदर, वही सारे कॉमन से ऑप्शन आपको मिल जाते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। यहाँ पे स्टेटस बार एक्शन चिप वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, आइलैंड वगैरह नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। किक सेटिंग में डेटा इमेज वगैरह और हेडर इमेज वगैरह भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। स्टेटस बार के अंदर क्विक पुल डाउन, नेटवर्क ट्रैफिक, कस्टम लोगो वगैरह, AM/PM और बैटरी के अंदर वही आपको आईफोन 16 और 15 वाला परसेंटेज लोगो मिल जाता है। फिर जो कुछ भी निकल के आता है वो मैं कहूँगा कि रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल है, सुपर है। और ये वॉलपेपर चाहिए तो आपको मेरे वॉलपेपर चैनल पे मिल जाएगा। और हर बार की तरह यहाँ पे डिफॉल्ट जो आपको लॉन्चर देखने को मिलता है, इसमें कई सारे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं जो कि आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हो। डिफॉल्ट कैमरा यहाँ पे इसका पोको वाला ही कह लो कि वो देखने को हमें मिलता है, तो अच्छी बात है और प्रॉपर काम करता है। BCR दिया गया है कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, तो टेंशन नहीं है। डॉल्बी का यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है ऑप्शन, और इसका आउटपुट मुझे अच्छा लगा है, कोई खास आपको बेकार नहीं मिलता। ये चीज़ भी यहाँ पे मैं कहूँगा कि काफ़ी सही है। रही बात यहाँ पे रिजल्ट क्या कुछ निकाल के आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग का और बाकी अदर इशू है या नहीं, तो चलिए वो एक नज़र हम देख लेते हैं। और वीडियो अभी तक आप वॉच कर रहे हैं यहाँ तक तो यानी अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर कर देना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जैसे आप इसे इंस्टॉल करते हो ADB साइड लोड मेथड से, जो कि मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा प्रोसेस, उसे फॉलो करके इंस्टॉल कर पाओगे, तो इतने ही एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे। और ये फर्स्ट टाइम का इंस्टॉल करते हैं चेक करने का Antutu स्कोर, जो कि डाउन साइड है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे प्रोफाइल बूस्ट यूज करता हूँ, जो कि पावर टूल वगैरह उसका यूज करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, हीटिंग भी यहाँ पे अंडर कंट्रोल रहता है। और वन डे के बाद जब मैं इसे दोबारा रन करता हूँ तो यहाँ पे और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है और यहाँ पे भी हीटिंग कंट्रोल है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छा लगा कि हीटिंग उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है जितना कि बाकी हाई पर या बाकी जगहों पर देखने को मिलता है। और हाँ, एक और बात, यहाँ पे मौसम थोड़ा सा कूल डाउन है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। उसके बाद यहाँ पे आप देखो हमारा Geekbench, जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक देखने को मिल जाता है। उसके बाद जब मैं वन डे के बाद इसे दोबारा चेक करता हूँ पावर टूल का यूज करते हुए, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट और थोड़ा देखने को मिलता है। अनदर ये है नॉर्मल CPU टोटल टेस्ट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 437,000 मैक्स और मिनिमम काफ़ी बेकार है टोटल किया है। लेकिन पावर टूल का यूज करते हुए जैसे मैं इसे बेंचमार्क पे सेट करता हूँ तो यहाँ पे 391,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 362,000 है। लेकिन जैसे मैं गेमिंग मोड पे डाल देता हूँ पावर टूल का यूज करते हुए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 411,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 385,000 है, यानी इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे कोई भी ग्राफ के अंदर गड़बड़ी देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे रिजल्ट में कहूँगा काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है, जो कि आपको पसंद आने वाला है। वहीं पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 38 के बाद मॉर्निंग में आता है 35, जो कि काफ़ी सही है। जहाँ पे आप देखोगे 9:49 यानी 10 hours आप समझ सकते हो 3% का ही बैटरी ड्रॉप है, जो कि मैं कहूँगा कि यहाँ पे अच्छा है, बुरा नहीं है। चार्जिंग स्पीड तो मैंने आपको शो कर ही दिया है। बाकी यहाँ पे आपको गेमिंग के अंदर नॉर्मल सेटिंग देखने को मिलता है, जैसे आप सेटिंग को ऑन कर देते हो एक्स्ट्रा वाला, तो यहाँ पे अल्ट्रा वाला ऑप्शन इनेबल हो जाता है। कैमरा वगैरह हमारा काम कर रहा है, डिवाइस सर्टिफाइड रहता ही है, जो कि आपको करना पड़ेगा क्योंकि 20 को गूगल ने बैंड बजा दिए सभी कस्टम रोम यूजर्स की, अब आपको मैनुअली फिक्स करना पड़ रहा है और कुछ दिन में डिफॉल्ट आने लग जाएगा, तो टेंशन नहीं है उसकी। बाकी L1 का सपोर्ट आपको मिल जाता है, Dolby Vision HDR HDR 10 Plus का भी सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है, फोटो स्टोरेज भी यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है। और हाँ, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि HDR में थोड़ा बहुत इशू रह गया है, वो यहाँ पे और भी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। जैसे कि आप फोटो के अंदर आते हो, कोई फोटो को एडिट करते हो, रिसेंट पे जाते हो, तो यहाँ पे 1% के लिए हल्का सा आपको डिस्प्ले पे फ्लिकर देखने को मिलता है, हल्का सा शायद आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कभी होता है कभी नहीं होता। ये जो काफ़ी टाइम पहले बहुत ज़्यादा था वो सॉल्व हो चुका है। अगर आप HDR वीडियो प्लेबैक करते हो YouTube के ऊपर, तो यहाँ पे भी है जो HDR की वजह से दिक्कतें आती थी ना, वो भी यहाँ पे जो रिड्यूस हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, जो कि आपको हल्का सा देखने को मिला होगा। उसके बाद ये दिक्कत अब यहाँ पे सॉल्व हो गई है। तो स्टिल मैं एक चीज़ ही कहूँगा कंप्लेन, वो गोल्ड सर्टिफाइड मिलने लग जाए तो मज़ा सा आ जाए। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे कि जब भी आप है जो वीडियो वगैरह प्ले करते हो ऑडियो, तो मुझे कीवेस के अंदर हल्का फुल्का जिटर देखने को मिला है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे हमारा म्यूजिक आ गया है, यहाँ पे हल्का फुल्का आपको स्टटर देखने को मिल रहा होगा, शायद आप नोटिस कर पा रहे होगे। तो ये चीज़ यहाँ पे है और मुझे लगता है इसे थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो कि आने वाले टाइम में और हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो आई होप कि ये रोम आपको पसंद आया होगा। मैं बस यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ, इंस्टॉलेशन ऐड कर दूंगा जिसे आप फॉलो करके इंस्टॉल कर पाओगे अपने फ़ोन के अंदर। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। स्टेप बता रहा हूँ उसे ध्यान देना है और फॉलो करना है। पावर ऑफ करने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपका फ़ोन है जो फास्ट बूट पे ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका। अब आपको अपने फ़ोन को PC से कनेक्ट करना है। अगर आपके पास PC नहीं है, आपके पास सिर्फ फ़ोन ही है, आप फोन मेथड फॉलो करना चाहते हो, तो मेरा फ़ोन वाला प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का नाम रख रखा है विदाउट PC फ्लैशिंग गाइड, तो उसे देख लेना, उसमें वीडियो मिल जाएगा विदाउट
पीसी के फ्लैश करने का मेथड, उसे देख के सेम मेथड जो मैं बता रहा हूँ ना वो आप अपने फोन पे भी फॉलो कर पाओगे। अब जो भी इंपॉर्टेंट फाइल आपको बताई गई है वो सभी डाउनलोड करके अपने पीसी पे रख लेना है, या फिर आप फोन से कर रहे हो तो फोन में रख लेना है। और एक प्लेटफॉर्म टूल की जरूरत पड़ेगी पीसी पे, जिसे आपको डाउनलोड करके अनजिप करना है और इसी के अंदर सारी फाइलों को मूव कर लेना है जो भी रिक्वायर्ड फाइलें हैं। तो मैंने यहाँ पे मूव कर लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जो कि आपको बता सकूँ। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल के अंदर टाइप करना है cmd, यहाँ पे टाइप करती है विंडो आपका ओपन हो जाएगा, जिस पे आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका डिवाइस कनेक्टेड है नहीं, तो उसका कमांड टाइप करना है वो डिवाइसेज इंटर। जैसे करोगे यहाँ पे कोड नजर आ जाएगा यानी कनेक्टेड है नहीं है, तो आपको ड्राइवर अपडेट करने की जरूरत है। अब जरूरत है रिकवरी फ्लैश करने की, हमेशा सपोर्टेड रिकवरी ही यूज करना, अगर सेम रोम है तो उसी का रिकवरी ले लेना, नहीं मिल रहा है तो किसी और रोम का भी रिकवरी आप यूज कर सकते हो, बस काम करने से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया कमांड डालने के बाद और इंटर पे क्लिक, यहाँ पे फ्लैश हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। एरर आया तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, मे बी रिकवरी का प्रॉब्लम है या फिर ड्राइवर का या फिर केबल का। अब यहाँ पे फ्लैश हो जाने के बाद नेक्स्ट कमांड डालेंगे फास्ट बूट रिबूट रिकवरी और इंटर पे क्लिक करेंगे, जिससे आपका फोन स्विच करेगा रिकवरी के मोड में। हमारा रिकवरी आ चुका, आपका डिफरेंट रोम रहेगा तो उसी के नाम से इसी लुक में डिफरेंट नाम का रिकवरी आपको नजर आएगा, लेकिन यूजर इंटरफेस काफी हद तक ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट करना है, अगर आपका टच काम करे तो टच का यूज करते हुए आप फैक्ट्री रीसेट कर लेना, अदरवाइज वॉल्यूम अप एंड डाउन और ओके बटन यानी पावर बटन का यूज करते हुए आप यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हो जाने के बाद इंस्टॉल अपडेट पे आना है, ADB साइड लोड पे आना है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ जाएगा ADB साइड लोड, ये सेम चीज आपको पीसी पे टाइप करना है। टाइप कर दिया, अब जो भी रोम आप फ्लैश कर रहे हो जो भी सपोर्टेड है उसे आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। अगर आपको रिक्वायर्ड किया गया है FW फ्लैश करने के लिए तो सेम ये कमांड डालने के बाद आप जो FW को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, जो भी फाइलें हैं सबसे पहले डाल लेना उसके बाद रोम को डालना। तो मैंने रोम डाल दिया क्योंकि FW यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। इंटर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा जो कि 5-10 मिनट का टाइम लेगा। अगर यहाँ पे एरर आता है तो केबल को डिस्कनेक्ट करना, फोन को फिर से रिबूट कर लेना और फिर से ट्राई करना, आपका फ्लैशिंग शुरू हो जाएगा। कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद लास्ट में इस तरीके से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है यस नो का, तो आपको यहाँ पे यस करना है, जिससे आपका रिकवरी कॉयर रिबूट होके है जो फिर से ऑन होगा। अगर आप किसी डिफरेंट रोम का रिकवरी यूज कर रहे हो तो यहाँ पे रिबूट के टाइम पे आपका रिकवरी चेंज हो सकता है, तो डोंट वरी, टेंशन मत लेना, चेंज हो रहा है तो होने देना है। और मे बी कुछ ऐसे रोम रहते हैं, जैसे कि रिसेंटली मैंने यप रोम फ्लैश किया था, उसमें इसी टाइप का रिकवरी है लेकिन वो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ रहता है, उसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं बट प्रोसेस सेम ही रहेगा साइड लोड वाला जो कि ADB साइड लोड है, तो बस सेम फॉलो करते रहना। अब यहाँ पे मैंने ये फ्लैश कर लिया, इसमें ना ही मुझे निक गैस डालने की जरूरत है ना ही FW डालने की जरूरत है, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालूंगा, लेकिन आपको डालना है एक्स्ट्रा चीज़ें रिक्वायर्ड की गई है तो क्या करना है, सिंपल से फिर से यहाँ पे इंस्टॉल ADB पे आना है और कमांड आपको टाइप करना है PC पे, जो कि होगा आपका ADB साइड लोड स्पेस। अब जो जो फाइलें रिक्वायर्ड रहेगी, जैसे कि आपको यहाँ पे निक गैस रिक्वायर्ड है उसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, या फिर कोई रूट करने की जरूरत है तो उसकी फाइलें आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। कमांड ये सेम रहेगा, बस आपको 1x1 करके जो भी एक्स्ट्रा फाइलें हैं उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और फ्लैश करते जाना है 1x1, जैसे कि अभी मैंने रोम को फ्लैश किया है। सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद आपको बैक और एक बार फैक्ट्री रीसेट कर लेना है सेम इसी तरीके से, और यहाँ पे है जो आपको रिबूट कर लेना है सिस्टम, कुछ ही देर में आपका फोन ऑन हो जाएगा और आप यूज कर पाओगे इजीली। ये गाइड मैंने इसलिए बनाया है ताकि हर एक इस टाइप के रोम के फ्लैशिंग गाइड में मैं ऐड कर सकूं, क्योंकि आप लोग कहते हो कि लास्ट में फ्लैशिंग गाइड बता दिया करो, इसलिए मैं यहाँ पे ये शूट कर रहा हूं ताकि हर एक वीडियो में ऐड कर सकूं, आपको सेपरेट वीडियो जाके वॉच ना करना पड़े। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई काफी ज्यादा डिफिकल्ट वाला फ्लैशिंग गाइड रहेगा तो वो तो मैं आपको अलग से दे ही दूंगा, लेकिन सिमिलर टाइप का रहेगा तो सभी के अंदर मैं यही है जो वीडियो ऐड करने वाला हूं, इसलिए आपको फाइल पे फोकस नहीं करना है, आपको प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है जो कि मैंने आपको बताया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।